कि हम देख डॉक्टर मेरे गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 1 मार्च 2023 साथ में हम लोग अभी एंजियोग्राफी के पेशेंट हैं। इनको पहले 3 बार स्टेंट लग चुके हैं। कब कब स्टेंट लगे हैं भाई साहब? आपके स्टेंट कब कब लगे हैं? मैं नहीं बोल सकता अभी। 12 में लगे थे? प्लीज सीताओ जल्दी कर देना। तो उसके बाद इनको AICD लगा, इसके बाद इनको बार बार सांस फूल जाती है क्योंकि इनके हार्ट की पंपिंग 15-20% है। तो हमने अभी फिर से हार्ट पंपिंग कम हुई थी तो हमने कहा चलो एंजियोग्राफी चेक कर लें। तो एंजियोग्राफी चेक करा हमने और पुराने स्टेंट पूरे कामयाब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए फर्दर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। राइट कॉर्नर आर्टरी नॉर्मल है और लेफ्ट में भी जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और लेडी में स्टेंट हैं वो ठीक हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक बार हमको दिखा दो जरा, वो फिल्म करते हैं, एक बार दिखा दो जरा एंजियोग्राफी शॉट दिखा दो बस फिनिशिंग ऑफ। तो ये देखिए ये 2 स्टेंट हैं जो हमको दिख रहे हैं, रेडियो रेडियो पे के स्टेंट हैं और बिल्कुल बढ़िया लेफ्ट मेन के बाद लगे हुए हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल। एक जगह हल्का सा ब्लॉक है, करीब 30-40% प्लाकिंग है एक नस में, उसको हम दबा पे रखेंगे और राइट वाली आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल है। तो स्टेंट कामयाब होते हैं और रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया इनके 4-5 साल हो चुके हैं स्टेंट लगे हुए और ये राइट वाली आर्टरी नॉर्मल है। ये पेसमेकर की तार लगा हुआ है जिसको ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल, रोको जरा विदाउट, हाँ ये रुक, ऑटोमेटिक बैक करो, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर, इसको RC हटा दो। तो ये राइट एट्रियल अपेंडिक्स लीड है और ये राइट वेंट्रिकल में लगी है जो कि शॉक डिवाइस है और जो ऑटोमेटिक शॉक में हम लोग देते हैं, लगाते हैं जिस पेशेंट को हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है उनमें हम AICD लगाते हैं। AICD इज ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर जो हम पहले लगा चुके हैं। इसी दिखाइए जरा सिस्टर, ऐसे पेशेंट जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है तो IVCD चल रहा है इनका। तो QRS 160 है, सो वी कैन थिंक ऑफ कन्वर्टिंग इन टू कॉम्बो डिवाइस।